नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एगॉन गेमिंग में। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA Vice City। तो अगर आपने GTA Vice City का लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो आप सभी को तो याद ही होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम गए हुए थे कैन के पास, और वहां पे जाने के बाद हमें एक बुड्ढा सा आदमी मिल गया था जिसका नेम था एवरी, और उसने हमें एक जगह भेजा हुआ था जहाँ पर कि हमें तीन जो ट्रक हैं वो ब्लास्ट करने थे। और जो तीन ट्रक हमने वहाँ पे जाके ब्लास्ट कर दिए थे, वहाँ पे कुछ फैक्ट्री वगैरह थी तो वहाँ पे जाके हमने ऐसा कर दिया था। उसके बाद जो हमारा मिशन है वो कम्प्लीट हो गया था। तो आज हम करने जा रहे हैं GTA Vice City में एक और न्यू मिशन, और इस मिशन का नेम है यहाँ पे 4 आयरन। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर Vice City में बज रहे हैं शाम के 6। तो अभी सबसे पहले तो अभी हम अपनी जो बाइक है इसको यहाँ पे उठा लेते हैं, और सबसे पहले हम चलते हैं कैन के पास। तो जैसा कि नहीं, कैन के पास अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि जो एवरी है ना, उसने हमें लास्ट टाइम बोला हुआ था कि वो जो है हमें यहाँ पे मिलना चाहता है, क्योंकि उसे जो है हमें यहाँ पे काफ़ी सारे काम वगैरह देने हैं। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले उसी के पास और वहाँ पर जाकर देख लेते हैं कि आखिर उसको हमसे आखिर में ऐसा कौन सा काम है कि वो सिर्फ जो काम है वो हम ही कर सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ से अभी हम ले लेते हैं आगे से एक लेफ्ट टर्न। ऑल राइट, तो हमारी जो गाड़ी है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्त चल रही है। ओके, तो यहाँ पर तो हमें ए वाले मार्कर पर जाना है, बट यहाँ पर जो मैप है कुछ और ही दिखा रहा है, तो शायद से हमें यहीं से जाना होगा। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी बिल्डिंग के पीछे जो एवरी है उसका यहाँ पे घर है, और शायद से हम यहाँ से निकल सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ से तो जो रास्ता है वो यहाँ पे बंद है, तो अभी हमें यहाँ से आगे की तरफ से ही निकलना होगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे अभी हम जो एवरी है उसकी जो फैक्ट्री वगैरह है या फिर जो घर वगैरह है वहाँ पर अभी पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर ये रहा ब्लू वाला मार्कर, यानी कि पिंक वाला मार्कर, अभी हम जो बाइक है वो यहाँ पर खड़ी कर देते हैं और चलते हैं इस पिंक मार्कर के अंदर। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो एवरी है, एवरी का यहाँ पे जो ड्राइवर है गाड़ी लेके तो आ चुका है। Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say never look a gift horse in the mouth, and by golly he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean thinker, I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. ऑल राइट, तो यहाँ पर ये जो एवरी है इसने अभी हमें काम दे दिया है, और जो काम है उसमें उसको करने के लिए हमें अपने जो कपड़े हैं उनको यहाँ पे चेंज करने के लिए जाना पड़ेगा। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए। ये रही हमारी बाइक, और जो कपड़ों की दुकान है ना मेरे सबसे सामने की तरफ ही है। तो अभी हम इस बाइक को लेकर चलते हैं सबसे पहले अपने कपड़े बदलने के लिए। शायद से हमें कुछ गोल्फ वाले जो कपड़े हैं ना वो पहनने हैं, क्योंकि हमें अभी जो है गोल्फ क्लब के साइड में जाना है और यहाँ से तो रास्ता बंद है भाई। ओके, तो शायद से अभी हमें पीछे की तरफ से जाना था। अभी हम यहाँ पे रॉन्ग टर्न आ चुके हैं, और ये ना घास में तो गाड़ियाँ ना चलती नहीं है बिल्कुल भी। घास जैसे आ जाती है ना वैसे स्लिप मारने लगती है इसकी जो व्हीकल है वो। ऑल राइट, तो यहाँ से अभी हमें एक और टर्न ले लेना है राइट में, और मेरे हिसाब से सामने की तरफ ही जो शॉप है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो अभी हम अपनी जो बाइक है उसे यहाँ पर खड़ा कर देंगे बाहर की तरफ, थोड़ा आगे की तरफ। ऑल राइट, तो और अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ अपने कपड़ों को यहाँ पर चेंज करने के लिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर तो जो रेड कलर का जो ट्राउजर है वो यहाँ पे काफी ज्यादा मस्त लग रहा है हमारे ऊपर। अभी हमें जाना है लीफ लिंक्स गोल्फ क्लब में, तो गोल्फ क्लब में जाने के लिए अभी हमें अपनी बाइक है इसी को लेकर चलते हैं। ऑल राइट, तो मेरे साथ सामने की तरफ ये जो गोल्फ क्लब है। ओके, तो ये रहा गोल्फ क्लब, यहीं पर आ गया, काफी जल्दी नहीं आ गया ये। हमारी जो बाइक है वो यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, क्योंकि हम जब जाएंगे यहाँ से तो अपनी जो बाइक है उसी को लेकर यहाँ पे चल देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारा टारगेट है ना वो यहाँ पे गोल्फ खेल रहा है, और इसके आसपास काफ़ी सारे बंदे हैं हॉकी स्टिक्स को लेते हुए। तो अभी हमें अंदर की तरफ जाना है, और मेरे हिसाब से अभी हमारे पास हथौड़ा है, हथौड़े के अलावा एक पिस्टल भी है। तो मेरे हिसाब से तो शायद से अभी हमें लेके अंदर कुछ भी नहीं जाने देंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे सारे के सारे जो वेपन्स हैं वो अभी हमारे बाहर रख लिए गए हैं, सिर्फ अभी हमारे पास हथौड़ा है, उस हथौड़े की ही मदद से अभी हमें उसको मारना होगा। तो हम अपनी इस गाड़ी में बैठकर चलते हैं। ये पिंक कलर की गाड़ी है, वैसे हमारे ऊपर जस तो नहीं रही है क्योंकि हमारे जो कपड़े हैं वो तो रेड कलर के हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कपड़े का कुछ काम नहीं है। यहाँ पे तो हमें उस बंदे को यहाँ पे मारना है जो गोल्फ क्लब के वहाँ पे खड़ा हुआ है, और बस हमारा जो काम है वो यहाँ पर हो जाएगा। और राइट, तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर लगी हुई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ 3 गार्ड खड़े हुए हैं, नीचे की तरफ 3 गाड़ियाँ भी हैं,
और गार्ड्स हैं क्या यहाँ पे? ऑल राइट, तो वहाँ पे भी कुछ गार्ड्स वगैरह खड़े हुए हैं, तो हम इसको मारेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। और अगर हमें इसको मारना होगा तो सबसे पहले तो हम सारी की सारी जो गाड़ियाँ हैं वो फोड़ देंगे, जिससे कि ये नहीं जा पाएगा। बट अगर हम इसके पास में जाएंगे तो शायद से यहाँ पर ये सारे के सारे जो बंदे हैं ये हमें ना मारने लगे यहाँ पे। ऑल राइट, तो अभी हमें एकदम धीमे 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 चलते रहना होगा। ऑल राइट, तो अभी हम यहाँ पर तो आ चुके हैं। ये वाली गाड़ी फोड़ दे क्या? ये वाली गाड़ी एक बार फोड़ के देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, अरे 14 रही। मेरे हिसाब से गोली से मारना पड़ेगा। और आसपास कोई मुझे कोई वो भी नहीं मिल रहा है जिससे कि हम इसको मार पाए। हथौड़े के अलावा यहाँ पे कुछ है भी नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे पुलिस वाले भी हैं, यानी कि अगर हमने इसको मारा यहाँ पे तो पुलिस वाले हमें यहाँ पे पकड़ लेंगे, तो हमें बड़ी सावधानी से इसको यहाँ पे मारना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अभी हम ऊपर जाएंगे तो ये सब मारने लगे, एक बार चलकर देख लेते हैं। धीमे धीमे जाएंगे एकदम। हम यहाँ पे कुछ लेने देने नहीं आए, हम तो बस यहाँ पे टहलने के लिए आए हुए हैं। ऑलराइट, अरे शिट शिट, इसको तो हम यहीं पे मार देते हैं। ये गया, ये गया, ये गया, और ले और ले और ले और ले, निकल यहाँ से, निकल निकल निकल, था क्यों नहीं भाई तू, तो निकल यहाँ से, निकल 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 निकल। ऑल राइट, वो भाग गया क्या? ऑल राइट, तो हमारा जो टारगेट है वो तो यहाँ से निकल लिया, और अभी हमें भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो तो यहाँ पे काफ़ी दूर भाग रहा है। ऑल राइट, बैठना गाड़ी में यार, जल्दी बैठना गाड़ी में, क्या कर रहा है? ऑल राइट, तो ये इसकी जो बाकी के जो घुंडे वगैरह ना, ये भी हमारे पीछे पड़ चुके हैं। अभी हमने उसे मारा तो है नहीं, और ये हमारे पीछे ऑलरेडी पड़ चुके हैं। अभी हमें इसे अच्छे से मारना पड़ेगा। ये कहाँ गया? ये रहा। ऑल राइट, तो यहाँ पे तो भागते जा रहा है, बट अभी इसकी गाड़ी को हम नहीं छोड़ने वाले। इसकी गाड़ी को तो अभी हम यहाँ पे पानी में ढकेल ही देंगे, जब तक पानी में नहीं ढकेंगे ना, जब तक अभी हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ऑल राइट, तो अभी ये अपनी गाड़ी को एकदम धीमा धीमे कर लिया है इसने। पता नहीं ये गाड़ी धीमी चलती है या फिर अभी बस गाड़ी जो है अभी हम ही धीमे धीमे चला रहे हैं। ऑल राइट, तो चली जा पानी में, इसको तो हमें पानी में डालना ही पड़ेगा जैसे तैसे करके, बट ये ना पानी में जाने वाली नहीं है। और इसके जो बॉडीगार्ड है ना, ये भी हमारे पीछे पड़ चुके हैं। हम इनके बॉडीगार्ड से तो बाद में छुटकारा ले लेंगे, क्योंकि अभी सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो ये बंदा है। क्योंकि इसको अगर हमने नहीं माना जो, तो वो जो एवरी है ना, वो अभी हमसे यहाँ पे नाराज़ तो पक्के में होने वाला है। ऑल राइट, तो अभी पीछे से एकदम इसे ढक्का मार देंगे, तो शायद इसकी जो गाड़ी है ना वो एकदम पानी में जा सकती है। ऑल राइट, अभी भी नहीं गई, कितना कंट्रोल है भाई इस गाड़ी का। ऑल राइट, तो यहाँ पर तो ये गाड़ी जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है इस गाड़ी का, मतलब पलट भी नहीं रही है गाड़ी। तो फिर अभी तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना होगा इसको। अभी हमें इसको पीछे लगा के चलते हैं। ऑल राइट, तो अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है इस गाड़ी का। पलट जा पलट जा पलट जा, नहीं पलटेगी, पलटेगी तो नहीं, अभी भी नहीं पलट रही है। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये काम भाग रहा है। ऑल राइट, तो वो यहाँ से निकल चुका है, तो अभी हमें भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जो सारे के सारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, ये भी अभी यहाँ हमें छोड़ने वाले नहीं है, तो अभी हमें ये बाहर की तरफ निकल चुका है गाड़ी लेके, तो अभी हमें भी यहाँ से निकल लेना होगा फटाफट से। ऑल राइट, तो ये रही गाड़ी, इसी गाड़ी को लेके अभी हम चलते हैं इसको पकड़ने के लिए। बैठ जा यार, जल्दी बैठ जा, क्योंकि वो जो है काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ निकल चुका है, और अगर ये आगे की तरफ निकल जाता है फिर ये हमें नहीं मिलेगा, और अगर ये नहीं मिलेगा तो हमारा जो मिशन है वो यहाँ पर फेल हो जाएगा। और तुम्हारे गन वन तो कुछ भी नहीं है जिससे कि अभी हम इसकी गाड़ी को कुछ कर पाए। अभी हम इसकी गाड़ी को यहाँ पे जो है फंसाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। ऑल राइट, ये इसकी गाड़ी को फंसाना बहुत काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, और अच्छा हुआ हमने जो पुलिस की गाड़ी है उस पर टक्कर नहीं मारी, नहीं तो हमारे पीछे जो है पुलिस भी पड़ जाती और ऊपर से और ज़्यादा मुश्किल हो जाती अभी हम इसको मारने में। ऑल राइट, तो अभी हमें इसको यहाँ से निकलने नहीं देना, इसी के अंदर अभी हम इसको जाके मार देंगे। ऑल राइट, निकल बाहर, निकल निकल बाहर, तो निकलिया कहाँ, निकल बाहर, तो निकल बाहर, तो निकल। ऑल राइट, ऑल राइट, तो इसको तो अभी हम यही मार देंगे इसको, और ये तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा जो पीछे बैठा है। और अभी हम गन लेके आएंगे कहीं से और इसको यहाँ पे गाड़ी में बैठे बैठे मार देंगे। अभी हमें इसको निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे अभी हम, कुछ ना कुछ यहाँ पे तो करना पड़ेगा। इसकी गाड़ी को भी हम चला सकते हैं क्या? ऑल राइट, तो ये यहाँ पे बाहर की तरफ निकल चुका है, और ये कहाँ जा रहा है भाई? तो जा कर रहा है, तो तू इधर आ, हमारे ऊपर जो स्टार भी लग चुका है और यहाँ पे जो है मर नहीं रहा है। ऑल राइट, तो अभी हम बस स्टैंड भी हो सकते हैं, अभी हमें कुछ ना कुछ तो इसको मारना ही होगा। हमारे पीछे जो स्टार है वो तो पुलिस जो है वो पड़ चुकी है। ऑल राइट, तो यहाँ से अभी हमें भागना होगा। और ये कहाँ भाग रहा है? अभी उल्टा उल्टा तरीके से भाग रहा है, भाग कर रहा है भाई। रुक जा रुक जा।
इसको तो गन होती ना तो और कुछ करते, इसका गन भी नहीं अभी हमारे पास, और यहाँ पे भागता ही जा रहा है। कब तक पीछे करते रहेंगे इसका ऐसे? ऑल राइट, अरे यार कुछ ना कुछ तो करना। ऑल राइट, अभी नीचे गिर गया, अभी इसको मार देंगे एक। अरे मर क्यों नहीं रहा भाई, मर जा मर जा, मरेगा मरेगा। ऑल राइट, तो हमारा जो मिशन है वो तो यहाँ पे पास हो चुका है, और हमारे ऊपर से जो स्टार थी, मतलब जो पुलिस पड़ी हुई थी, वो भी हमारे पीछे से हट चुकी है, यानी कि अभी हम दूसरा जो मिशन है वो यहाँ पे लेने के लिए जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो एपिसोड है GTA Vice City का, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो पे जो है 100 लाइक्स का जो टारगेट है वो ज़रूर से कंप्लीट करा दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वाली GTA Vice City की ऐसे ही किसी न्यू एपिसोड के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।